पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताओं और बहनें, सभी किसान भाइयों को गुरबाज सिंह डबरी का नमस्कार। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि खरीफ की फसल धान की जो पौधा है उसकी बिजाई लगातार चालू है और हमारा एक अथक और भरकस प्रयास रहा है कि हम किसानों की सेवा में पौध की जो बिजाई हमने की हुई है वो बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। हमारे पास जो पौध की बिजाई हमने जो की हुई है, जो पौध लगभग तैयार हो चुकी है, वो हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। पूसा बासमती 1509 और पूसा 44, फिलहाल दो बीज हमारे पास पौध लगभग तैयार है, एक हफ्ते में लगभग तैयार हो जाएगी। जो किसान भाई हमसे लेना चाहता है वो हमसे सीधे में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे पौध जो हमने तैयार करी है, बहुत निरोग और स्वस्थ पौध है। ये देखिए, बहुत निरोग और स्वस्थ पौध है ये पूसा 44 IRI नई दिल्ली की किस्म, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी जिसका उत्पादन आप 40 से 42 क्विंटल तक का आप उत्पादन ले सकते हैं। पंजाब में सभी किसान इसका उत्पादन लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ इधर जो क्यारी आप देख रहे हैं, यह पूसा बासमती 1509 की पौध है, लगभग तैयार हो गई है। इसमें पानी दे के इसमें यूरिया वगैरह देंगे, अभी हमने दिया नहीं है। और जो किसान भाई लेना चाहते हैं हमसे पौध, वो सीधे में संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे वो हम। इसी के साथ साथ ये हमारे पास एक और लॉट है पूसा बासमती 1509 का। दोस्तों, हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि पौध बहुत सारे किसान उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारा जो पौध है वो फाउंडेशन बीज से तैयार हो रहा है। इसमें 2 क्विंटल एक्स्ट्रा आपको उत्पादन मिलेगा, ये फाउंडेशन बीज के साथ तैयार की गई है पूसा 44 की पौध आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो हमने बहुत सारी अन्य वैरायटियां पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की PR 128, PR 129 जो 2020 में रिलीज़ की गई, वो भी हमने बिजाई की हुई है। दोस्तों, PR 114 2001 में ये वैरायटी रिलीज़ हुई, बहुत अच्छा उत्पादन देती है, सुपर फाइन कैटेगरी में आती है। ये आप देख सकते हैं हरी हो चुकी है बिल्कुल पौध, और 20 दिन में लगभग ये पौध 15-20 दिन में इस पौध को हम तैयार कर देंगे। जो किसान भाई प्रथम पखवाड़े में लेना चाहते हैं हमसे, वो हमसे सीधे में संपर्क कर सकते हैं। पूसा बासमती 1509, पूसा 44, PR 114, PR 129 की पौध और PR 128। हमारा जो ये जो हमारा फील्ड है वो CSSRI से जो करनाल में स्थित है, ICR का संस्थान, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर करनाल से सीतामाई डांड पेहवा रोड के ऊपर स्थित है, वहाँ से आप हमारे से पौध खरीद सकते हैं। हमारी पौध की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, सभी पौध, जितने भी पौध हमने बिजाई करी है उसका पूर्ण रूप से कार्बिडिज्म प्लस ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ बीज में 24 घंटे उसको भिगोया गया है, सीड ट्रीटमेंट किया गया है, और साथ के साथ जो बीज है वो सारे का सारा फाउंडेशन बीज है, ताँ जो किसानों को एक अच्छा उत्पादन देता है। जो फाउंडेशन बीज होता है, अक्सर सभी किसान भाई जानते हैं फाउंडेशन बीज बहुत महंगा होता है और उत्पादन अधिक देने की क्षमता रखता है ब्रीडर से और सर्टिफाइड से। तो दोस्तों, जो हमसे तीसरी जो हमारी मुख्य विशेषता रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का झंडा रोग नहीं है। जो बकाना रोग आता है 1509 की पौध में, वो फिलहाल नहीं है, बहुत बढ़िया है। हमने इसमें कार्बिडिज्म भी डाली है, 2 बार इसमें कार्बिडिज्म डाल चुके हैं और रोपाई के बाद भी। और जो किसान भाई हमसे पौध लेना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोग पौध हो आधार तो मिले भरपूर पैदावार, ये हमारा स्लोगन भी है। भी किसान भाई जो पौध लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं 9896811414 पर। पूसा 44 की पौध लगभग तैयार है और 1509 की पौध भी तैयार है। किसान भाई जो लेना चाहते हैं आप बुकिंग करवा सकते हैं। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सहयोग दें, सेवा का मौका अवश्य दें। हम एक सफल किसान होने के नाते नाते एक सफल बीज उत्पादक भी हैं, और फिलहाल पिछले साल भी हमने पौध की बिजाई करी थी तो लगभग 100 एकड़ के आसपास हमने पौध हमने बेची थी, और अब की बार भी हमने 3 एकड़ पौध बिजाई की हुई है, ताकि जो किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना आए। और जुलाई माह के अंत तक बासमती किस्में 1509, 1718 की पौध बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। हमारा आप सभी से गुजारिश है, अगर किसी भी किसान भाई को कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान।